अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लगभग 2 साल से लगे हुए हैं, लेकिन 2.5 महीने से काफ़ी कोशिश कर रहे थे पकड़ने के लिए। हालांकि जानवर सामने दिखते हैं, लेकिन इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद आज शाम को एक मादा को पकड़ के कॉलर किए हैं। अभी देखते हैं मूवमेंट कैसा होगा। बरसातों में यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, तो कहाँ एग्जैक्टली जाते हैं, कैसे मूव करते हैं, उसको पता करने के लिए अभी पता करेंगे। यहाँ झिलमिल से कहाँ जा रहे हैं, हस्तिनापुर तक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो किस रूट पकड़ रहे हैं, तो ये पता करने के लिए कॉलर लगाए हैं। लेकिन यहाँ पे उत्तर भारत में नहीं होता, ये उत्तर भारत में पहली बार हो रहा है। नहीं, चूँकि ये पहली बार किया जाना था और इसमें एक नई जो पद्धति जो है हिंदुस्तान के अंदर पहली बार नई नेट विधि द्वारा जो है इसको कॉलर करने का प्रयास किया गया और उसी से कॉलरिंग की गई है, तो इसलिए भी थोड़ा समय लगा। फिर उसमें ये भी था कि आजकल जो गर्मियों का टाइम था और इसमें बहुत ज़्यादा इनको ज़्यादा परेशानी ना हो, ट्रेस ना किया जाए, कोई इनके बीच में भगदड़ वाली ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए इसको बड़े आराम से और प्रयास करते हुए और एक उसको कॉलर कर लिया गया है और सेस को भी करने की प्रक्रिया जारी है। 4 से 5 जो है स्वयं डियर पर कॉलरिंग करने का प्रयास किया जाएगा।